तो सैमसंग अपने वन वाई सेवन के ऊपर काम करना काफी समय पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, जो कि इंटरनल टेस्टिंग कहा जाता है। और इन दिनों काफी सारे सैमसंग मॉडल्स भी लीक हो चुका है कि वन वाई सेवन इस मॉडल के ऊपर स्टार्ट हो चुका है टेस्टिंग करना। बट रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी S23, यस लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी S23 लॉन्च हुआ है, वो फोन गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हो चुका है जो रन हो रहा है वन वाई सेवन के ऊपर एंड्रॉइड 15 के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक का सैमसंग का सबसे बड़ा मेजर चेंज हमें देखने को मिलेगा वन यूआई 7 के ऊपर। तो वन यूआई 7 के अंदर वैसे तो काफी सारी चेंजेस देखने को मिलेगा, बट एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एनिमेशंस के अगर मैं बात करूं तो एनिमेशंस को यहां पे काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, चाहे ऐप ओपनिंग हो गया, ऐप क्लोजिंग हो गया। और जो भी लीक्स आया है इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये iOS 18 से काफी ज्यादा इंस्पायर है। अब iOS और वन यूआई के ऊपर आपको काफी सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। कभी कुछ फीचर्स iOS पहले लॉन्च करता है जो कि वन यूआई में देखने को मिलता है, और कभी कुछ फीचर्स पहले वन यूआई में आता है देन वो iOS के ऊपर आता है। तो iOS 7 का जो एनिमेशन होगा इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये काफी ज्यादा इंस्पायर है iOS 18 से। नेक्स्ट आइकन्स की बात करूं तो यस, सुनने में ये भी आ रहा है कि आइकन्स को भी चेंज किया जा रहा है, काफी सारे नए नए आइकन्स हमें देखने को मिलेगा। अब इससे पहले वन यूआई ने आइकन्स के ऊपर काफी बार काम किया है एंड यूजर का फीडबैक भी लेता रहता है। काफी बार जो बीटा में हमें आइकन्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, वो जो बीटा यूजर्स फीडबैक देता है, अगर अच्छा फीडबैक आता है, पॉजिटिव आता है, तो देन वो स्टेबल के अंदर लाता है। अगर नहीं यूजर को अच्छा लगता है तब वो फिर निकाल देता है। तो अब ये देखना होगा कि वन यूआई 7 का जो आइकन्स है ये क्या यूजर्स को पसंद आता है। अगर आता है तभी वो हमें स्टेबल के अंदर देखने को मिलेगा, अदरवाइज वापस वही वन यूआई 6 वाला ही चलता रहेगा। इसके बाद होम स्क्रीन लेआउट को रिफाइन किया जाएगा, काफी सारे हमें नए और इम्प्रूव विजेट्स देखने को मिलेगा और भी काफी कुछ चीजें। और लॉक स्क्रीन के अंदर आप मल्टीपल लॉक स्क्रीन को सेट करके रख सकते हो। वन यूआई 6 के अंदर ही लॉक स्क्रीन सेटअप आ चुका है, वन यूआई 6.1 के अंदर कस्टमाइजेशंस और ज्यादा बढ़ चुका है। बट अगर आपको अलग अलग टाइप के लॉक स्क्रीन रखना है, अलग अलग, जिससे कि आप विजेट्स रख सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, तो अभी आप लॉक स्क्रीन के अंदर सिर्फ एक नहीं मल्टीपल लॉक स्क्रीन सेट करके रख सकते हो। तो दो तीन टाइप की आप लॉक स्क्रीन सेट कर दो एंड उनमें से आपको जब भी जो पसंद हो आप अपने हिसाब से उसे चूज कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चेंज हमें देखने को मिलेगा क्विक पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर के अंदर। अब सैमसंग ने वन यूआई 6 में नया कंट्रोल सेंटर इंट्रोड्यूस किया है, नो डाउट अच्छा है। पहले अगर मैं वन यूआई 5 के मुकाबले इसे अगर मैं कंपेयर करूं, बट वन यूआई 7 के अंदर दो काम हो सकता है। सबसे पहला तो क्विक पैनल को रिडिजाइन किया जा सकता है, या फिर दूसरा काम हो सकता है कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन दे, क्योंकि वन यूआई 7 का जो कॉम्पिटिटर है iOS 18। iOS 18 के अंदर हमने देखा कि क्विक पैनल के ऊपर काफी सारे कस्टमाइजेशंस करने का ऑप्शन दे दिया है, तो Samsung क्यों पीछे रुकेगा। तो वन यूआई 7 के ऊपर क्विक पैनल को कस्टमाइजेशंस करने का ऑप्शन भी देगा, या फिर नया क्विक पैनल भी हमें देखने को मिलेगा। और एक कॉन्सेप्ट निकल के तो ये भी आ रहा है कि आप पुराना वाला चाहते हो या फिर नया वाला क्विक पैनल रखना चाहते हो, ये आप खुद से सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले कोई भी Xiaomi का स्मार्टफोन यूज किया होगा तो Xiaomi ने MIUI 12.5 के अंदर ऐसे ही किया था, नया क्विक पैनल को इंट्रोड्यूस किया था। बट अगर जिन लोगों को पुराने वाले ही पसंद है तो पुराने वाले भी सेट कर सकते हो, एंड अगर आपको नया वाला रखना है तो नए वाले तरफ भी आप जा सकते हो। तो ऐसा ही सेम काम Samsung वन यूआई 7 के अंदर भी करने जा रहा है। नेक्स्ट Samsung वन यूआई 7 के साथ सैटेलाइट मैसेजिंग फीचर्स को भी एनेबल कर रहा है, मतलब कि अगर नेटवर्क कवरेज वगैरह नहीं है तो उस टाइम भी आप Samsung के फोन से मैसेजेस सेंड कर सकते हो। और Samsung AI को यहीं तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, AI को One UI 7 के साथ डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने वाला है, मतलब कि OS लेवल हमें AI फीचर्स देखने को मिलेगा। इससे काफी सारी चीजें आसान हो जाएगा। अब Samsung की फोन्स में काफी समय से बैटरी बैकअप को लेके एक कंसर्न रहा है, और इसके पीछे मेन वजह है Exynos प्रोसेसर। तो Samsung अभी AI को इंप्लीमेंट करने जा रहा है बैटरी के ऊपर। अब देखना यह होगा कि ये किस तरह से काम करेगा और यूजर्स को कितना प्रैक्टिकली फायदा होगा। इसी के साथ आईफोन्स की तरह Samsung गैलेक्सी फोन्स के अंदर कितना बैटरी हेल्थ बचा हुआ है ये भी आप मॉनिटर कर पाओगे। अब इन AI फीचर्स के अलावा दो फीचर जो कि Samsung की फोन्स में अभी के समय पे हमें देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहला तो हो गया ऐप लॉक। अगर आप अभी अपने Samsung की फोन में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना है तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, हालांकि
के इसके रिगार्डिंग कुछ जुगाड़ लगा के आप ऐप को लॉक कर सकते हो। किस तरह से वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे आप जाके चेकआउट कर लेना। बट वन यूआई 7 के साथ सैमसंग ऐप लॉक वाला फीचर ला रहा है जिससे यूजर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा फीचर है, काम का है बट सैमसंग गैलेक्सी फोन्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, वो हो गया नेटवर्क स्पीड। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो कितना स्पीड आपको मिल रहा है ये चीज आप सैमसंग के फोन में नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ एप्स है जरूर जिसकी मदद से आप ये चीज देख सकते हो बट वन यूआई के अंदर ये चीज नहीं है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये चीज भी वन यूआई 7 के अंदर ला रहा है सैमसंग। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वन यूआई 7 के एआई फीचर्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस को देख सकते हो। इनमें से कौन से फीचर्स के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।